अलैकुम, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है. आई थिंक हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं. बाकी जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करना चाहेंगे वो बीच में इंशाल्लाह कर लेंगे. इंशाल्लाह अच्छा जी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं. जो स्टूडेंट्स आईओयू वाले मुझे जानते हैं, माय नेम इज डॉक्टर साबिया और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ. प्राइमरीली कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, बिकॉज आगे हमारी फील्ड थोड़ी स्प्लिट हो जाती है. क्लिनिकल वाले मेडिकल साइड देखते हैं, हॉस्पिटल की साइड देखते हैं, और जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं या एस्थेटिशियंस जिनको हम कहते हैं, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी, वो फील्ड थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है. एंड वी वर्क इन प्राइवेट क्लिनिक्स. हम हॉस्पिटल सेटअप में फिर काम नहीं करते क्योंकि हमारा डिजीज के साथ उस तरह कनेक्शन नहीं रहता. सो बेसिकली फिक ऑफ एस्थेटिक हमने स्टार्ट करने की रीजन भी ये थी कि बिकॉज बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं जो हमारे पुराने कलीग्स हैं, वो क्लिनिकल डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बट स्टिल क्योंकि उनकी कॉस्मेटिक में एक्सपोयर नहीं है, तो उनसे जब कोई पेशेंट आके इस तरह के सवाल करता है लेजर्स के बारे में, बोटॉक्स फिलर्स के बारे में, या किसी और चीज़ के बारे में, तो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि कैसे गाइड करना है. प्लस एक नॉर्मल लेमैन खातून, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे सैलॉन प्रोसीजर्स, बहुत सारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स ऐसे स्टार्ट हो गए हैं जिसको देख के हम टेम्प्ट होते हैं कि ये बिकॉज यू नो एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, तो हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि हम ये करवाएं. लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या जो बंदा वो परफॉर्म कर रहा है वही गाइड कर सकता है रिगार्डिंग इंग्रेडिएंट्स या उस प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके अंदर इस्लामिक रूलिंग्स क्या होंगे. सो मेन एम हमारी क्लास का इस वक्त आज और ऑनवर्ड सेशंस में ये होगा कि आपको छोटे छोटे मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के बारे में गाइड किया जाए, ताकि कभी आप सैलॉन या क्लिनिक विजिट करें तो आपको पता हो कि ये प्रोसीजर मैंने नहीं कराना और ये मैं करवा सकती हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास दुआ के साथ. अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल कब्र व अज़ाबे जहन्नम व मिन फितनतिल माहिया वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मिनल फितनतिल मसीह दज्जाल. रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हुल क़ौली. सो लेट्स सी. हम अपनी क्लास की इब्तिदा इस हदीस से करते हैं, इन अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, यानी अल्लाह ताला खूबसूरत है और उसको खूबसूरती पसंद है. मैंने क्लास की स्टार्ट इसलिए इस हदीस के साथ की है बिकॉज एक जनरल कॉन्सेप्ट जो लिबरल मुस्लिम्स हैं या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें ये होता है कि शायद इस्लाम में हर चीज़ हराम है, लेकिन इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ताला क्योंकि उसकी क्वालिटी भी है अल मुसव्विरु, तो एट्रीब्यूट है, तो वी शुड नो कि अल्लाह ताला ब्यूटी को पसंद करता है. ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए चीज़ें हर चीज़ में हराम है या हर चीज़ जो खूबसूरती या लग्जरी या इंजॉयमेंट की है उसको मना कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है. सो इस हदीस को माइंड में रखते हुए हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल सी कि अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए, स्पेशली बिलीवर्स के लिए, मुश्किल हालात में कितनी आसानियाँ की हैं, चाहे वो मुश्किल आपके ऊपर स्पिरिचुअल है या फिजिकल है या जस्ट एक कॉस्मेटिक रीजन में है. सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, ये स्लाइड हम बार बार आगे सेशंस में भी रिपीट करेंगे, वी विल सी के ये स्लाइड आपको अगर आपको ये सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं ये याद हो जाएं तो आपके लिए जनरली एस्थेटिक्स और ब्यूटी से रिलेटेड जितने प्रोसीजर्स हैं उनको वे करना आसान हो जाएगा कि ये आया जायज़ हैं या नाजायज़ हैं. ठीक है, ये हराम है या हलाल है, ये आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा. तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया हैं जो कि स्पेशली फॉर एस्थेटिक प्रोसीजर्स या जो इवन कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं उनके अंदर भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट यूज होती है, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए कि देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ डिसेप्शन, यानी इस्लाम किसी भी लेवल पर धोखे को पसंद नहीं करता. वो धोखा चाहे ट्रेड में हो, चाहे आज़ाती जिंदगी में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, या एक सिर्फ देखने की चीज़ में, इस्लाम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता बिल्कुल भी कि आप कहीं पर भी अपनी फिजिकल अपीयरेंस में कोई ऐसी चीज़ अपनाएं जिसमें धोखा हो. ठीक है, इसको जब हम आगे जो हमारी रेफरेंस की हदीस है उसमें हम देखेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि देर शुड बी नो चेंजिंग इन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुबहाना व तआला, यानी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बींग मुस्लिम्स हम सबको कुरान शरीफ की भी हमें कन्वर्सेशन जो इबलीस की अल्लाह ताला के साथ हुई जब आदम अलैहिस्सलाम वाला वाक्या हुआ,
तो उस वक्त इब्लीस ने जो है वो कुरान की आयत है जिसका मफहूम है कि उसने कसम खाई थी अल्लाह ताला की इज्जत की कि मैं इन सबको गुमराह करूंगा और मैं इन सब में ख्वाहिशात ऐसी फॉल्स डिजायर्स इनके अंदर जगाऊंगा जिसके वजह से दे विल मेक चेंजेस इन योर क्रिएशन। तो उस जो कसम उसने हम अल्लाह ताला की इज्जत की खाई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट आता है कि हमने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है अपने जिस्म के साथ या अपनी लुक्स के साथ जिसमें हम अल्लाह ताला की क्रिएशन को जो उसने हमें जैसा बनाया है उसको हम चेंज करते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, देर शुड बी नो हार्म स्लैश हार्म बिगर देन द बेनिफिट। अच्छा, अब ये इसके ऊपर रेफरेंसेस हमें हदीस में मिलते हैं क्योंकि जो कॉस्मेटिक रीजंस होती हैं वो कभी भी ऐसी यूजुअली 99% केसेस में ऐसी नहीं होती हैं जो लाइफ और डेथ का मामला, ठीक है, ये यूजुअली लग्जरी है, नेसेसिटी बड़े कम लोगों के लिए होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करवाएं जिसमें जो आपका नुकसान हो, जैसे जिसमें साइड इफेक्ट आने का जो चांस है वो साइड इफेक्ट आपके फायदे से ज्यादा बड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन वैक्स करते हैं, अब वैक्स का जो नुकसान है वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्किन जल जाएगी, तो स्किन जल जाएगी वो ऑब्वियसली कुछ दिनों में 1-1.5 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे आप खुदा ना खास्ता अगर टांग की वैक्स करा रहे हैं, लेग की वैक्सिंग करा रहे हैं, तो आप खुदा ना खास्ता हैंडीकैप नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिए कि शरिया का रूल है कि कभी भी आप कोई ऐसा कॉस्मेटिक एस्थेटिक प्रोसीजर जो ब्यूटी के लिए करा रहे हैं उसमें अगर आपको साइड इफेक्ट आए इन केस, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर साइड इफेक्ट से फ्री नहीं होता, सो वो साइड इफेक्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन द बेनिफिट। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ये इवन आपकी जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं और जो इलेक्टिव सर्जरीज यानी जो इमरजेंसी के अलावा सर्जरीज होती हैं उसमें भी यही रूल लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर है, द मटेरियल्स यूज्ड शुड बी हलाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे आगे जैसे आप सीरीज में सुनेंगे बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं स्पेशली क्लिनिकल सेटअप्स के अंदर जिसके जो मटेरियल यूज कर रहे होते हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज हो रहा होता है उस काम के लिए, वो हलाल नहीं होता। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो विल कम टू नो कि फिलर्स के अंदर हमें ये मसला बीइंग डॉक्टर्स फेस करना पड़ता है कि फिलर्स जो है दे द मटेरियल इज नॉट हलाल। तो ऑटोमेटिकली जब हलाल चीज आप नहीं यूज करेंगे तो वो प्रोसीजर इटसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, द रूलिंग्स डज नॉट अप्लाई टू कंडीशंस इन केस ऑफ फिक्सिंग एन एबनॉर्मेलिटी। ये जितनी भी हम चीजें जो प्रिंसिपल ऑफ शरिया, क्योंकि ये स्लाइड आप आगे भी प्रेजेंटेशन में देखेंगे, इसमें जो भी रूल हम पढ़ रहे हैं वो इन केस ऑफ फिक्सिंग एन एबनॉर्मेलिटी, यानी अगर कोई चीज एबनॉर्मल है, कोई चीज जो आम लोगों में से हट के है, उसको ठीक करने के लिए हम ये रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस केस में हमें अल्लाह ताला इन सारे रूल्स से बरी कर देता है। ही जस्ट सेट्स अस फ्री, क्योंकि बेसिकली सिंपल सा रूल ये होता है ब्यूटी के अंदर कि नॉर्मल जो चीज नॉर्म है उसको अपग्रेड करने में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर कोई चीज एबनॉर्मल है तो उसको नॉर्मल लेवल पे लाना अलाउड है, ठीक है। सो अगेन, ये जब हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको आगे आगे चीजें बेहतर समझ आ जाएंगी। सो इट शुड नॉट बी द इम्पॉर्टेंट थिंग इज के इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेशन और कस्टम ऑफ द डिसबिलीवर, यानी जो भी फैशन आप या जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो डिसबिलीवर्स का उसमें अफेक्ट ना हो, यानी आप देखने में आपकी जो लुक है वो बीइंग मुस्लिम मुसलमानों वाली आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसे फैशन आप कर लें जिससे आप स्पेसिफिकली मुसलमान दिखने के बजाय कोई डिसबिलीवर या डेवियंट या किसी एक्स वाई जेड जो मना किए गए हैं ग्रुप उनमें से दिखना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक बड़ा ट्रेंड जो है वो बड़ा इन हो गया है कि जो एक दजाल की आंख वाला जो ट्राइंगल विद एन आई इन इट, ये एक लोगो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आपको गुची के बैग्स और इसके अलावा मेहंदी के डिजाइन और बहुत सारी जगहों पे आपको ये ट्राइंगल विद द आई नजर आएगा। सो वो ट्राइंगल ऑब्वियसली वो दजाल की रिप्रेजेंटेशन है। सो अगर आप उस किस्म के कोई प्रिंट्स खरीद लेंगे कपड़ों में पहनने के लिए जिसपे आंखें बनी होंगी, या कोई आप ऐसी चीज खरीद लेंगे बैग है या कोई ऐसी चीज, सो दिस इज अगेंस्ट द शरिया रूल्स कि आप फैशन करें लेकिन आप यू शुड नॉट सपोर्ट द डिसबिलीवर्स इन दैट सेंस और ना आप उन जैसे दिखें। और लास्ट जो चीज है वो है शुड नॉट एक्सपोज ऑरा, यानी ट्रीटमेंट्स कॉस्मेटिक्स क्लिनिकल सैलॉन के प्रोसीजर्स फैशन जो मर्जी आपने करना है कोई चीज मना नहीं होगी, लेकिन उसमें एक्सपोजिंग ऑरा अलाउ नहीं होगा, ठीक है। एक्सपोजिंग ऑरा के ऊपर अगेन वी विल कंडक्ट अ क्लास जिसमें हम बॉडी के हेयर रिमूवल को जरूर डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा मेजर
प्रॉब्लम है जो कि मेजोरिटी लोगों को नहीं पता कि इसमें ऑरा की रूलिंग क्या लगती है। सो ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह यू विल कम टू नो कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम जो अगली चीज देखेंगे वो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज शरिया बेस्ड रूलिंग्स या शरिया बेस्ड एनालिसिस ऑफ द कंटेम्प्रेरी प्रोसीजर्स। सो अभी ये अगेन दो अहदीस जो हैं ये हम आगे तकरीबन 1-2 वीक्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज इसमें से सिर्फ हम एक सर्टन सेक्शन को डिस्कस करेंगे और बाकी सेक्शंस को हम अगली आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिलेटेड दैट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, अल्लाह कर्स द वुमेन हु डू टैटूज एंड दोज फॉर हुम डू टैटूज आर डन, दोज हु प्लक आईब्रोज एंड दोज हु हैव इट डन, दोज हु फाइल द टीथ फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन एंड दोज हु हैव इट डन। ठीक है, ये बड़ी मशहूर हदीस है, हम सब ने ही तकरीबन सुनी भी है कि टैटू करने वाली और करवाने वाली, आईब्रोज को प्लक करने और करवाने वाली, और फॉर द पर्पस ऑफ ब्यूटिफिकेशन दांतों की जो रीअरेंजमेंट है वो चेंज करने और करवाने वाली। ठीक है, इसी तरह ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस दी गई है, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला नरेट्स फ्रॉम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दैट द वुमेन हु डज हेयर एक्सटेंशन एंड द वुमेन फॉर हुम दैट इज डन, the woman who plucks eyebrows and the woman for whom that is done, the woman who does tattoo and the woman for it is done, when there is no disease that would justify doing that are cursed. ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जब अल्लाह ताला ने लानत कर दी उस औरत पे, अच्छा औरत का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि ये काम औरतें ज्यादा करती हैं, लेकिन दिस डज नॉट मीन कि इस सारी सिचुएशन में, इस हदीस में सिर्फ औरतों को कहा गया है, इसमें मर्द भी इक्वली इंक्लूडेड होंगे। सो जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे टैटूइंग का, उसमें मर्द और औरत दोनों बराबर के शरीक हैं, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ ये औरतों पर होगा। सो द पॉइंट इज दिस कि जिसको अल्लाह और उसके नबी ने कर्ज कर दिया, तो आप सोचे रहमतुल आलमीन ने जब उसको ये बात कर दी तो फिर उसमें क्या चांस रह जाएगा कि आपकी जिंदगी में कोई बरकत रह जाएगी या कुछ अच्छा रह जाएगा। सो अब इस दोनों जो हदीस हैं उनकी एविडेंस के ऊपर हम आगे चल के रूलिंग निकालेंगे, बिकॉज जिन लोगों ने फिक पढ़ा हुआ है थोड़ा सा बैकग्राउंड, उनको ये पता है कि फिक में एक असल होता है जो रूट होता है, और उसके ऊपर से फिर जो उसमें से रूलिंग है वो हम ड्राइव करके आजकल के मॉडर्न दौर में जो मसले चल रहे होते हैं उनके ऊपर वो रूलिंग हम फिट करते हैं। ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पहले पता तो हो कि टैटू है क्या, मतलब टैटू की डेफिनेशन क्या है, तो हम उसको कंटेम्प्रेरी प्रोसीजर्स जो मॉडर्न एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं उस पर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं उस रूलिंग को। सो वी विल बी स्टडिंग द फिक ऑफ टैटूज, अगेन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, इसमें आपको आई रिमेम्बर के मुझे जब किसी से पूछना होता था, जब मैंने मैंने पढ़ाई नहीं शुरू की थी तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात पूछी कि टैटूज के बारे में क्या रूलिंग है, तो सबने कहा हराम, बट बीइंग अ यंग पर्सन आई वांटेड टू नो कि हराम मतलब क्या है, कुरान में कहाँ लिखा है, बिकॉज कुरान में तो कहीं नहीं लिखा, और हदीस में अगर है तो मुझे बताएं, लेकिन मेजोरिटी लोग, आप समझे 90-95% लोगों का सिर्फ जवाब ये होता था कि ये हराम है, लेकिन क्यों हराम है किसी को रीजन नहीं पता होती थी। कुछ लोग ये कहते थे कि इससे वजू नहीं होता, कुछ लोग कहते थे कि भाई हमने सुना है, हमेशा से सुना है बस हराम है, और ये बुरे लोग कराते हैं, लाइक जो जो जिनका इमेज खराब होता है वो लोग कराते हैं। तो ये जब आप जवाब आपके जो सीनियर्स हैं या बड़े जो एल्डर्स हैं वो जब ये जवाब आपको देते हैं तो इसमें यंग जनरेशन सेटिस्फाई नहीं होती, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये हवा में की गई बातें, इसकी कोई शरिया में, कुरान और सुन्नत में कहीं कोई हदीस या कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है। एंड देन यू ऑलवेज नो कि देर आर पीपल अराउंड अस हु आर रेडी टू मिसगाइड आर यंगस्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि यंगस्टर्स इन सारी लग्जरीज और इन सारी चीज़ों में इंडल्ज हो जाए और वो फिर दीन और बाकी सारी चीज़ों से दूर हो जाए। सो हमें अपने छोटों को भी, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होता जा रहा है, फैशन होता जा रहा है, तो अपने आप को तो बचाना ही है, लेकिन अपने यंगस्टर्स को हमें सॉलिड बैकग्राउंड से बताना है कि कहाँ कुरान और सुन्नत के अंदर इस चीज़ को मना किया गया है। इवन जो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हमने हदीस पीछे पढ़ी है, उसमें वो खातून एक आई थी उनसे इंटरव्यू करने के लिए कि मैंने तो कुरान कवर टू कवर पढ़ा है, तो कुरान में तो टैटू कहीं नहीं मना किया गया, तो उस पे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जवाब दिया कि कुरान में जगह जगह ये मेंशन किया गया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी जब तुम अगर फलाह चाहते हो तो तुम नबी की अताअत करो और अल्लाह की अताअत करो, दोनों की। तो और उस पे उसके बाद उन्होंने फिर ये हदीस एक्सप्लेन की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कुरान में सिर्फ मोटी मोटी हेडलाइंस बता दी गई हैं, लेकिन उसकी तशरीह, उसकी ट्रांसलेशन और उसकी वर्बल या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताई।
सो लेट्स स्टार्ट द फिक ऑफ टैटूज। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना ये जरूरी है कि व्हाट इज टैटू। टैटू की डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको लोग बहुत बेवकूफ बनाएंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि जाते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि जी ये फलां प्रोसीजर टैटू तो नहीं है, तो वो क्लियरली उनको कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएं, ये बिल्कुल टैटू नहीं है और आप ये बेफिक्र होके करवा दें। तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब जो डॉक्टर है या जो आपका जिसके पास आप गए हैं वो खुद ही उसको नॉलेज नहीं है, तो वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए आपको मिसगाइड करेगा। दे विल नेवर टेल यू कि ये प्रोसीजर टैटूइंग है, क्योंकि जब जैसे ही टैटू का वर्ड आप सुनेंगे तो हो सकता है अगर आपको जरा सी भी दीन की नॉलेज हो तो आप कहेंगे कि नहीं जी थैंक यू आई डोंट वांट टू गेट इट डन। सो व्हाट इज टैटू? टैटू बेसिकली क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी मॉडिफिकेशन। अच्छा, आप टैटू की ये डेफिनेशन चाहे मुस्लिम किसी वेबसाइट पे चेक कर लें, विकीपीडिया पे चेक कर लें, किसी क्रिश्चियन वेबसाइट पे चेक कर लें, बॉडी मॉडिफिकेशन का वर्ड इसके अंदर जरूर यूज होगा। ठीक है, सो अ टैटू इज अ फॉर्म ऑफ बॉडी मॉडिफिकेशन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट थ्रू नीडल्स और माइक्रो ब्लेड्स ईदर परमानेंट और टेम्पररी इन टू द डीपर लेयर ऑफ द स्किन। यानी टैटू जो है वो एक ऐसी बॉडी मॉडिफिकेशन है जो कि परमानेंट होती है एक्चुअली। ठीक है, परमानेंट की डेफिनेशन से मुराद ये होती है कि ये कोई भी ऐसी चीज जो 1 हफ्ते 10 दिन से आगे कंटिन्यू करे। ठीक है, सो दैट इज सेमी परमानेंट एंड देन परमानेंट लास्ट फॉर ईयर्स। सो टैटू में क्या आप कर रहे हैं? बॉडी मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी वो जो आपने पहली शरिया की रूलिंग पढ़ी थी उसमें चेंजिंग क्रिएशन वाली तो बॉडी मॉडिफिकेशन के साथ वैसे ही फिट आ गई रूलिंग। इसमें करते क्या है कि आप पिगमेंट जो होता है, जो कलर होता है, वो नीडल के थ्रू या तो मुख्तलिफ सुइयां होती हैं जिनके थ्रू, अब इसमें एक सुई भी हो सकती है और मल्टीपल नीडल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, दो तीन एक साथ साइड बाय साइड हो सकती हैं। और कभी आप टैटू का प्रोसीजर होते देखे हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अगर आपने से किसी ने स्विंग मशीन देखी हो, सिलाई वाली मशीन, तो उस तरह वो नीडल ठक ठक करके इट्स कॉन्टिन्यूसली गोइंग इन टू द स्किन, कमिंग आउट, गोइंग इन, कमिंग आउट। ठीक है, और कभी कभी इस नीडल के अंदर सिरिंज की तरह पीछे पिगमेंट भरा होता है और कभी कभी जो पिगमेंट है वो पीछे नहीं भरा होता, उसके साथ एक डब्बी सी होती है लाइक एक छोटा सा बाउल होता है, वो उसके अंदर डिप कर करके वो पिगमेंट डाल रहे होते हैं। तो ये या तो नीडल के थ्रू होगी या माइक्रो ब्लेड्स। माइक्रो ब्लेड्स का मतलब है स्किन के अंदर बारीक बारीक बिल्कुल पतले ब्लेड होते हैं जो बहुत शार्प होते हैं, उनके साथ स्किन का बैरियर कट करके और उसमें पिगमेंट डाला जाए। यानी इन दोनों केसेस में स्किन का पंक्चर होना, स्किन को कट करना, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कट होके और फिर पिगमेंट डाला जाता है। ठीक है, सो डीपर लेयर ऑफ द स्किन। अगर आप ये पिक्चर देखें, इफ यू सी दिस पिक्चर, ये देखें तो ये पिगमेंट है इसके अंदर। ठीक है, और ये स्किन के अंदर ये डर्मिस में डाल रहे हैं। अच्छा, जो स्किन की पहली लेयर है ये बहुत पतली होती है, इसकी मैक्सिमम थिकनेस जो है वो 1.5 मिलीमीटर होती है। 1.5 मिलीमीटर का मतलब है तकरीबन एक या दो विजिटिंग कार्ड्स अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वो 1.5 मिलीमीटर होगी। सो ये एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है। तो जब आप सुई या ब्लेड से कट लगाते हैं तो एपिडर्मिस तो डेफिनेटली कट जाती है या पंक्चर हो जाती है, और डर्मिस में जो है ना वो अपर या लोअर इस एरिया में ये थोड़ी ज्यादा होती है थिकनेस में, यहाँ पर जो है वो आप पिगमेंट जो है वो डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका ये प्रोसीजर हो रहा होता है। सो टाइप्स ऑफ टैटूइंग में हम अगर देखें तो टेम्पररी टैटू है जो कि अ वीक और 10 डेज मैक्सिमम, और परमानेंट या सेमी परमानेंट है जो कि मोर देन दैट टाइम जो है वो होता है अप टिल ईयर्स, लाइक 2-3 साल, 4 साल इस तरह। लेकिन किसी भी किस्म का जो टैटू होता है वो कुछ अरसे के बाद थोड़ा लाइट हो जाता है, तो यूजली 2 से 3 साल के बाद उसको कहा जाता है कि आप टचअप कराते। ठीक है, 1.5 से 2 या मैक्सिमम 24 मंथ्स के बाद कहा जाता है कि इसको टचअप कराते। अच्छा, अब रीजंस फॉर टैटूइंग जो है वो आपके पास दो होती हैं, या तो एस्थेटिक हैं, खूबसूरती का कोई काम कराने गए होंगे, या मेडिकल हैं, जो कि दोनों की जो करने वाले हैं उनमें और उनकी ट्रेनिंग में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जो एस्थेटिक्स वाले होते हैं वो यूजुअली यूजुअली जो है वो उनकी को बहुत हाई फाई ट्रेनिंग नहीं होती और उनको कुछ भी नहीं पता होता कि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। जो मेडिकल वाले होते हैं वो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, जरा उनकी ट्रेनिंग हुई भी होती है, लेकिन इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या ऑप्शन है। आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि अगर किसी को कोई साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज लेट मी नो। सबको आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो द नेक्स्ट थिंग इज हम बात कर रहे हैं अब टेम्पररी टैटूज की। ठीक है,
टेम्प्ररी टैटूज जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं यूजुअली। एक वो होते हैं जो आपने मार्केट में देखे होंगे स्टिकर्स, बच्चों के जो मिलते हैं उसमें डिफरेंट, ये देखें ये पिक्चर अटैच की है मैंने, सो इस किस्म की वो पूरी शीट होती है जिसके अंदर पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, और वो आप चिपका लेते हैं और चिपका के आप अपने, या अक्सर बबल गम्स में से, छोटे बच्चों की बबल गम्स में से वो कलर वाला मिलता है जिसको आप गीला करते हैं, देन यू पुट इट ऑन, और वो बिल्ली शिली और इस किस्म की चीजें होती हैं और उस पर वो टैटू हो जाता है। सो बेसिकली जो टेम्प्ररी टैटूज हैं वो स्टिकर के फॉर्म में होंगे, या वो दूसरी ऑप्शन में आपके पास वो जो हमने गम के अंदर जो निकलता है वो, और सेकेंडली जो आपकी मेहंदी होती है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेम्प्ररी टैटू, ठीक है, क्योंकि ये टेम्प्ररी है, ये हफ्ता 10 दिन में उतर जाएगी, और जो स्टिकर वाला है वो तो ऑब्वियसली जब आप जो, अगर वो बबल गम वाला है तो वो तो नहा के उतर जाता है, और अगर स्टिकर है तो वो थोड़ी देर बाद आप शौक पूरा करके उतार लें। सो टेम्प्ररी टैटूज जो हैं उसके अंदर, इसके अलावा अगर आपको कोई कहता है कि नीडल्स के थ्रू, क्योंकि थाईलैंड वगैरह अगर आप विजिट करें तो वहाँ अक्सर वो आपको लेके बैठे होते हैं और देन दे टेल यू के ये टेम्प्ररी टैटूज हैं, तो नाम से कंफ्यूज ना हो, नाम से धोखा ना खाएं, टेम्प्ररी टैटूज जो वो कर रहे होते हैं वो नीडल के साथ ही कर रहे होते हैं, और वो यूजुअली जो है 4 से 6 महीने रहता है, तो वो टैटू वाली लिस्ट में ही आएगा, वो टेम्प्ररी टैटू नहीं होगा। टेम्प्ररी टैटू वो टैटूज हैं जो के, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टिकर है या तो ऊपर चिपका है, वो आप जब उतारना चाहें तो उतार लें, वो आप असर से मगरिब के बीच में लगा के खुश हो जाएं और मगरिब की नमाज से पहले उतार लें, और जो मेहंदी है वो आप सबको पता है कि वो थोड़े टाइम में उतर जाती है। सो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, द ड्रॉइंग शुड बी टेम्प्ररी एंड विल डिसअपियर एंड नॉट परमानेंट, ठीक है, टेम्प्ररी हो, डिसअपियर हो जाएगी, परमानेंट नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट पुट एनी ड्रॉइंग्स ऑफ एनी मेड थिंग्स, अब ये ना हो कि आपने शेर चीते वाली जो है ना वो, क्योंकि आपको पता है कि तस्वीर का कॉन्सेप्ट वैसे ही बनाना इस्लाम में अलाउ नहीं है, उसमें जानवरों की या एनिमेटेड चीजें, लड़की की और हीरोइन की और घोड़े की तस्वीरें, दिस इज नॉट अलाउड। शुड नॉट अपियर विद अडोमेंट बिफोर नॉन मैरम, यानी अगर किसी लड़की को शौक है कि वो, मतलब टैटू का शौक है या मेहंदी लगाई है उसने, तो वो मेहंदी के साथ जो है वो किसी ना मैरम को वो हाथ नहीं दिखाएगी, सहेलियों के बीच में अगर उसने जाना है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है तो ठीक है, शी कैन वेयर ग्लव्स, बट ये इट्स अ काइंड ऑफ एडोर्नमेंट, तो आपने ये नहीं दिखाना। दोज कलर्स एंड डाइज दैट आर यूज शुड नॉट बी हार्मफुल, अच्छा ये एक आजकल बड़ा मसला है क्योंकि मेजोरिटी रंग जल्दी देने के चक्कर में जो कौन मेहंदियां आ रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान में तो ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, उसमें वो स्पेशल केमिकल्स ऐड कर रहे हैं जो कि विद इन 15 मिनट्स या 10 मिनट्स कलर देता है, बट बहुत सारी ब्राइड्स मेरे पास आती हैं जो मेहंदी ब्राइडल लगी है और उसके बाद उनकी स्किन जल गई है वहां से, या तो जल गई है या वहाँ एलर्जी हो गई है, या वो जगह जब वहां से मेहंदी उतरी तो वो जगह डी पिगमेंट हो गई है, वो परमानेंट व्हाइट हो गई है, ठीक है, तो ये दिस सच काइंड ऑफ मेहंदीज आर नॉट अलाउड। तो अब हम सजेस्ट ये करते हैं आपको कि जो भी ब्राइडल लगवाने जाए या कोई और मेहंदी, वो पैच टेस्ट कराए पहले, वो अपने हाथ के किसी कोने पे छोटा सा एक जो है ना लाइन बनवा ले, या छोटा फूल बनवा ले, कुछ ऐसी चीज बनवा ले जिससे पैच टेस्ट हो जाए, अगर उसको इचिंग, बर्निंग या उसकी स्पीलिंग स्टार्ट हो जाती है या उसको कोई रिएक्शन होता है, तो फिर वो मेहंदी नहीं यूज करेगी, और उससे बहुत बेहतर है कि आप जो पुराने जमाने की होती थी मेहंदियाँ जो घरों में बना के ट्यूब्स के अंदर मिल जाती थी, अभी भी मिल जाती है बहुत सारी जगह पे, जिस जो केमिकल फ्री होती है वो यूज करें, बिकॉज अक्सर ब्राइड्स को, अक्सर लड़कियों को केमिकल से बहुत बुरी एलर्जी होती है, और इसमें मुख्तलिफ सिट्रिक एसिड जैसी चीजें डालते हैं जिससे स्किन रिएक्ट कर जाती है। अच्छा नेक्स्ट है, देयर शुड बी नो रिजेम्बलेंस टू इमोरल और डिसबिलीवर्स और डेविएंट्स, ये बिल्कुल वही बात जो हमने पहले की थी कि ये ना हो कि आप मेहंदी से जो है ना वो दजाल की आंखें बनवा के बैठ जाएं, या आप मेहंदी या जो आपके स्टिकर टैटूज हैं उसमें आप जो क्रॉस है क्रिश्चियंस का वो कर लें, यानी कोई भी ऐसी चीज जो दूसरे मजहब को रिप्रेजेंट करती है, कोई आप गणेश लिखवा लें, या कोई आप जो भी है आपके मुख्तलिफ इंडिया में जो गॉड्स के नेम होते हैं वो लिखवा लें, ये चीजें अलाउड नहीं है, ठीक है, उसके स्टिकर लगाना भी अलाउड नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है, इफ इट इज डन बाय समवन एल्स इट शुड बी अनदर वुमन, ये ऑब्वियस ही बात है, जब आप मेहंदी लगवा रहे हैं जाके तो आप किसी औरत से ही लगवाएंगे, मर्द से नहीं लगवाएंगे, एंड इट शुड नॉट बी पुट ऑन एनी प्लेस दैट इज ऑरा, अगेन ऑरा की बात आ गई, औरत से जो पर्दा है वो चेस्ट से नी तक का एरिया का पर्दा है, बेसिकली तो अगर आप शरिया में पीछे देखें तो बेली बटन से नी तक का एरिया कहा गया है, लेकिन उस पर स्कॉलर्स का कंसेंसस इस बात पे है कि आने वाले वक्तों में अगर आपने औरतों को ये कह दिया कि बेली बटन से नी तक का औरत से पर्दा है नॉर्मल डेज में अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जिसमें औरतें ब्रालेस एक दूसरे के साथ पार्टीज में हैंग आउट करना शुरू कर देंगी।
सो इसलिए स्कॉलर्स ने यूनानिमसली इसको एग्री किया है कि औरत का औरत से आम वक्त में सीने से लेकर घुटने तक का पर्दा है, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी। ठीक है, तो इस वाले एरिया में ये नहीं है कि पेट पे कोई खुशी खुशी शादी की खुशी में जो है वो मेहंदी लगवा रहा है या वहाँ टैटू लगा रहा है, तो ये दिस इज नॉट अलाउड। लास्ट है, शुड नॉट फॉर्म अ लेयर विच प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम रीचिंग स्किन इन वजू एंड गुसल। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टिकर अगर आपने लगाया हुआ है और उसके बाद आपने वजू किया तो स्टिकर के ऊपर से पानी नहीं गुजरेगा तो आपका वजू नहीं होगा। और अगर लेट्स सपोज कि अगर बाजू पे लगा है तो वजू नहीं होगा, और अगर कंधे पे लगा है और उसके बाद आपने गुसल किया तो ऑब्वियसली गुसल नहीं होगा। सिमिलरली जो मेहंदियाँ ये आजकल आ रही हैं, इसमें कुछ मेहंदियाँ ऐसी हैं जो कि लेयर बना देती हैं। आप बकायदा उसको देखेंगे कि जब वो उतर रही होती है तो वो पील कर रही होती है, उसके छिलके उतर रहे होते हैं। सो अगेन वही बात है कि मेहंदी में भी थोड़ा ख्याल करें, हाथ जलाने और नुकसान होने से बेहतर ये कि आप उसका पैच टेस्ट कर लें हमेशा, और फिर जिस कंपनी की आपको समझ आ जाए कि ये अच्छी मेहंदी है फिर उसको स्टिक करें अनटिल अनलेस वो डिसकंटिन्यू हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट स्लाइड इसलिए है हमारे पास क्योंकि टैटूज इन टूडेज वर्ल्ड जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि जो सारे प्रोसीजर्स आजकल हो रहे हैं, मोटा मोटा टैटू तो आपको पता है लेकिन क्लिनिक और सैलून में क्या टैटू हो रहा है वो नहीं पता। सो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि माइक्रो ब्लेडिंग, ये देखिए ये मैंने पिक्चर अटैच की है इसके साथ। माइक्रो ब्लेडिंग जो है, माइक्रो का मतलब स्मॉल और ब्लेडिंग माइक्रो मतलब छोटा, और ब्लेडिंग ब्लेड से कट लगा के। अब ये देखिए ये वाली पिक्चर अगर आप देखें तो ये खातून है जिनकी इस तरह उड़ी हुई आईब्रोज हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने कट्स लगा के ये पिगमेंट डालते हैं ब्लैक, और उसके बाद ये एंड रिजल्ट में देखने में ये बाल लग रहे हैं लेकिन ये बाल नहीं है, ये सारी टैटू हुआ हुआ है जिसको फेदर प्रोसीजर भी कहते हैं, इसको ब्रश फेदरिंग भी कहते हैं, लेकिन यूजुअली माइक्रो ब्लेडिंग कहा जाता है इसको। आजकल जितने भी आपको टीवी में खवतीन नजर आती हैं जिनकी बड़ी परफेक्ट चौड़ी चौड़ी आईब्रोज होती हैं, 90% केसेस में उनकी ये माइक्रो ब्लेडिंग हुई होती है। ठीक है, सो माइक्रो ब्लेडिंग जो है वो अगेन वही बात है कि आप ये समझें कि ये कोई हेल्दी प्रोसीजर है, नो इट्स इट्स सिंपल फॉर्म ऑफ टैटूइंग। और बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनका मसला ये है कि जो सैलॉन वालों से अगर आप पूछेंगे तो वो अगेन ये कहते हैं कि नहीं जी ये बिल्कुल हलाल है, इसमें ये टैटू नहीं है, इसमें देखें कोई नीडल ही नहीं इस्तेमाल हो रही। तो नीडल इस्तेमाल होने का मसला नहीं होता, मसला सिर्फ ये है कि इसमें कट्स लगा रहे हैं। जब हमने बात ये की कि नीडल या ब्लेड्स के थ्रू कट्स लगा के और स्किन के अंदर आप ये पूरा ये देखिए पिगमेंट पेनिट्रेट करवा रहे हैं, तो पेनिट्रेट करके उसके बाद जब आप एंड में इसको साफ करेंगे तो वो पेनिट्रेट होके क्योंकि ब्लेड से कट लगे हुए हैं तो ये बालों की शेप आ जाएगी। तो देखने में ये धोखा अगेन डिसेप्शन वाली चीज आ जाएगी कि लोगों को लगेगा कि आपकी आईब्रोज ऐसी है। ठीक है, सेकेंड जो ट्रीटमेंट है दैट इज स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन। स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन में सुई के जरिए, नीडल के जरिए, जो जिन खवातीन की मांग चौड़ी हो या कोई इस किस्म का मसला हो उसमें टैटू कर दिया जाता है काला रंग या डार्क कलर, ताकि उनकी जो मांग है वो चौड़ी ना लगे, बाल कम है तो वो जरा भरे भरे, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये भी अगेन माइक्रो ब्लीडिंग जो है वो यूजली क्लिनिक्स में नहीं होती, ये सैलॉन्स पे होती है। स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन क्लिनिक्स में लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बीबी ग्लो ट्रीटमेंट बड़ा मशहूर हुआ है, पाकिस्तान इंडिया में तो बहुत मशहूर है, आई एम श्योर के बाहर भी जहां पर लोगों को गोरे होने का शौक क्रेज है वहां पर ये चल रहा होगा। बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है, अगर इन खातून की आप तस्वीर देखें तो ये मेकअप नहीं है, ये बिफोर एंड आफ्टर जो है ना ये परमानेंट मेकअप है। ठीक है, तो इनकी देखें आप ये कैसे ब्लॉची सी स्किन है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कराया कि इन्होंने परमानेंट फाउंडेशन करा ली है जिससे ये देखें ये देखने में लग रहा है ये साथ माइक्रो ब्लेडिंग होगी इनकी, ये परमानेंट इन्होंने बीबी ग्लो ट्रीटमेंट करा लिया, साथ में इन्होंने जो है ना लिप ब्रशिंग करा ली, ये देखें ये भी हो रही है, ये तस्वीर भी मैंने अटैच की है, इस किस्म का ये परमानेंट आईलाइनर भी लगवा लिया इन्होंने। तो मतलब खातून जो है वो सुबह सो के उठेंगी तो वो इस तरह उठेंगी। तो बहुत सारे जो हमारे खवतीन हैं वो क्योंकि एक रैट रेस है, एक क्रेज डेवलप हो गया है कि बस बस सो के उठें बिस्तर में भी तो हम बड़ी हसीन खातून लगें, तो वो ये क्या क्या कराती हैं कि शी लुक्स लाइक दिस ओरिजिनली लेकिन वो इस तरह से अपना सारा कुछ परमानेंट करा लेती हैं। ठीक है, इसमें ब्लश भी आ गया, ये ब्लश टिंट जो हमने जिक्र किया है, सेमी परमानेंट आईलाइनर आ गया इसके अंदर, ठीक है, लिप ब्रशिंग आ गई ये, और इसके अलावा इन्होंने बीबी ग्लो भी करा लिया और माइक्रो ब्लेडिंग भी करा ली, कुछ रहा नहीं। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज प्रॉब्लम आएगी वो टैटूइंग के अलावा भी, अगर आप देखें कि ये धोखा है। अब अगर किसी शख्स ने इन खातून से शादी करनी हो तो उनको ऑल दो कि ये वाली शक्ल भी उनकी प्यारी है लेकिन क्योंकि वही बात है एक रैट रेस है, तो उन्होंने जैसे शादी करनी है वो समझेगा कि ये बेगम तो इतनी ही प्यारी है, तो बेगम का जब आहिस्ता आहिस्ता फेड होगा क्योंकि आपको पता है कि 1.5-2 साल के बाद इसको रिटचिंग चाहिए होगी, कुछ महीनों के बाद स्पेशली लिप्स वालों को तो चाहिए होती है, तो उस टाइम पे फिर वो अंदर से
धोखे वाली चीज आ जाएगी जो कि इस्लाम में कम्प्लीटली डिस्करेज है। एंड देन इट्स अ काइंड ऑफ चेंजिंग क्रिएशन एज वेल कि अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, अच्छा भला बनाया है। आप जो काम मेकअप के थ्रू कर सकते हैं वो आप जबरदस्ती टैटूइंग के थ्रू जाके कर रहे हैं। सो ये जो प्रोसीजर्स हैं ये आपको कहीं भी पढ़ने को मिले, लिप ब्रशिंग है, लैश लाइन पिगमेंटेशन है, सेमी परमानेंट आईलाइनर है, ब्लश टिंट है, बोल या फ्रेकल मेकिंग है। बाहर के मुल्कों में जो है वो यंग जो गोरे लोग होते हैं उनके यंग बच्चों के चेहरे पे फ्रेकल्स होते हैं, छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स होते हैं। तो जो बड़ी एजेड औरतें हैं वो अपने आप को जवान दिखाने के लिए आर्टिफिशियल फ्रेकल्स बनवा लेती हैं अपने चीक्स के ऊपर ताकि वो देखने में यंग लगे। सो ये जितने भी प्रोसीजर हैं इन सब में या तो नीडल के थ्रू, ये देखें आप इस वाली पिक्चर में देखें इसमें ये नीडल के थ्रू कलर टेंट डाल रहे हैं। तो आजकल बच्चियों को बहुत शौक है कि लिप्स जो है वो हमारे पिंक पिंक लगे और हमें लिपस्टिक लगाने की शौक शौक जरूरत ना पड़े। सो दे गेट द लिप ब्रशिंग डन, ठीक है। सो ये सारे प्रोसीजर्स आपके टैटूइंग हैं और जो रूलिंग उस जमाने की हदीस के हिसाब से हराम वाली टैटू पे लगती थी वो इन प्रोसीजर्स पे भी लगेगी ऑटोमेटिकली। अच्छा अब अल्लाह मैंने क्यों मना किया है, सो जरा इसके हम साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट जो है वो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन सच एज हेपेटाइटिस, एचआईवी, हर्पीस सिम्प्लेक्स एंड स्टेफ ऑरियस, ये तो जस्ट फ्यू नाम मैंने इसमें लिखे हैं। इसके अलावा बहुत बहुत बीमारियां जो हैं वो ट्रांसफर हो सकती हैं। एचआईवी बहुत कॉमन है क्योंकि ब्लड निकलता है अगर उसके पास जहां पर आप गए, देखें कहते हैं क्लेम सारे यही करते हैं कि हमारी बिल्कुल स्टरलाइज एनवायरनमेंट है एंड एवरीथिंग स्टरलाइज, लेकिन क्योंकि ये शैबी से एरियाज होते हैं यूजुअली स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज में, ये जो परफॉर्म ये जो कर रहे होते हैं टैटूइंग ये बड़े छुप के कर रहे होते हैं यूजुअली, ये ओपन बहुत ज्यादा नहीं करते एक्सेप्ट फॉर दुबई। दुबई में थोड़ा सा आपको फिर भी मिल जाएगा लेकिन बाकी पाकिस्तान, इंडिया, सऊदीया वगैरह में जो भी टैटूइंग कर रहे होते हैं स्पेशली वो जो कॉस्मेटिक के अलावा वाली टैटूइंग होती है वो छुप के करते हैं। सो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन खुदा ना खास्ता ये खूबसूरत बनने के चक्कर में अल्लाह ना करे किसी को हेपेटाइटिस लग जाए, गॉड फॉरबिड, या एचआईवी या हर्पीज इस किस्म की कोई ब्लड बॉर्न डिजीज लग जाए तो सारी जिंदगी आप उस प्रोसीजर को कोसते रहेंगे कि मैंने क्यों कराया। बिकॉज मैंने अपने तकरीबन मुझे 15 साल हो रहे हैं प्रैक्टिस करते हुए, मैंने ये बात नोट की है कि जब भी हम अल्लाह ताला ने जो चीजें मना की हैं उस वाले डोमेन में घुसते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई चीज नुकसान जरूर करती है, वो समझ आए ना आए और बात है। सेकेंड जो है वो पिगमेंट एंड मेटल रिलेटेड एलर्जिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें हर तरह का डिफरेंट क्वालिटीज अवेलेबल है पिगमेंट की। जो कलर यूज होता है उसमें लो क्वालिटी सस्ती पिगमेंटेशन अगर यूज करेंगे तो उसका रिएक्शन आ जाता है वही मेहंदी वाला चक्कर के, कभी बर्न हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है और इस किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। कार्डिक एरिथमियाज इन हार्ट पेशेंट्स, अच्छा हार्ट पेशेंट्स में ऑलरेडी पेन का थ्रेशोल्ड जरा ऑब्वियसली वो दर्द होती है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, लेकिन प्लस बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो एपिनेफ्रीन एक नमिंग एजेंट के तौर पे यूज होती है चीज, उसके साथ वो कार्डिक एरिथमियाज यानी हार्ट बीट जो है ना वो इतनी इरेगुलर हो जाती है कि हार्ट पेशेंट जो है वो खुदा ना खास्ता वहीं पर वो उसकी अल्लाह ना करे कभी इस तरह हो जाए तो डेथ हो सकती है। दिस इज वेरी क्रूशियल चीज, ठीक है। इसके अलावा फ्लेयर अप्स इन एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन सच एज सोरायसिस, एक्जिमा, रोसेशिया, ऑलरेडी किसी को स्किन की बीमारी है उसमें फ्लेयर अप हो सकता है बिकॉज आपने स्किन का बैरियर तोड़ दिया, आपने स्किन का बैरियर काट के नीडल इंसर्ट की है सो फ्लेयर अप हो सकता है। नेक्स्ट इज कैन रिजल्ट इन कीलॉइड, कीलॉइड बेसिकली होता है हाइपरट्रॉफिक स्कार फॉर्मेशन यानी स्कार जो है वो अपनी जो हीलिंग हुई है उसमें स्किन से बाहर निकल आए और बाहर निकल के वो एक बड़ा सा गोल सा या किसी भी इरेगुलर शेप का टिश्यू बना लेता है। इन केस ऑफ इन्फेक्शन अराउंड आई एरिया कैन इन्वॉल्व साइनसेस एंड रिजल्ट इन मैसिव इन्फेक्शन लीडिंग टू ब्लाइंडनेस, जैसे लोग माइक्रोब्लेडिंग कराने जाते हैं, माइक्रोब्लेडिंग में खुदा ना खास्ता अगर या जो लैश के लैश लाइन या लाइनर लगवाने जाते हैं उसमें अगर आपकी साइनसेस जो आंखों के पीछे दोनों आंखों के बीच में होती है और चीक्स के एरिया में होती है उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए तो इट कैन अल्टीमेटली लीड टू ब्लाइंडनेस क्योंकि ये फैल जाता है और ये फिर आपकी ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व कर लेता है। पेशेंट विद डीरेंज क्लॉटिंग सिस्टम में डिवेलप प्रोफ्यूज ब्लीडिंग क्योंकि कट लगा रहे हैं आप उसके अंदर सिलाई मशीन की तरह नीडल्स बार बार घुसा रहे हैं, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ब्लीडिंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा है तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, ठीक है। और जो जो कर रहा होता है वो ऑब्वियसली मेडिकल प्रोफेशनल नहीं होता तो वो फिर एंड टाइम पे उससे हैंडल नहीं हो रहा होता, उसको समझ नहीं आती कि ब्लीडिंग कैसे रुकनी। पेशेंट्स विद ग्लूकोमा में इंक्रीज इंक्रीज आई प्रेशर, ठीक है। ग्लूकोमा एक बीमारी होती है जिसमें आंखों के अंदर आंख का एक प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है और उससे अगर वो इंक्रीज हो तो आंखों में दर्द और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये आई प्रेशर इंक्रीज हो सकता है इसके साथ। सर्टन डाइज रिएक्ट टू एमआरआई रेडिएशन एंड कॉजेज बर्निंग ऑफ टैटूड स्किन ड्यूरिंग एमआरआई, ठीक है। टैटू 20 साल पहले कराया था
लेकिन कुछ टैटूज इस तरह के उसमें इंक यूज होती है कि वो 20 साल बाद अपने एमआरआई के लिए खुदा ना खास्ता कहीं गए तो एमआरआई तो हो गया लेकिन साथ में टैटू वाली जगह जल जाती है। ठीक है, हैज बिन मेडिकली एसोसिएटेड विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर्स ड्यू टू लो क्वालिटी पिगमेंट यूज। अगेन वो एलर्जी वाली बात ही है, वो खुदा ना खास्ता किसी को ज्यादा तंग कर जाए तो मुख्तलिफ किस्म के स्किन कैंसर्स डिवेलप कर देती है ये चीज। मे कैमोफ्लाइज अदर कैंसर्स बाय स्टेनिंग द ड्रेनिंग लिम्फ नोड ऑफ द एरिया सच एज मेलिग्नेंट मेलेनोमा। स्किन की एक कैंसर होता है जिसको मेलिग्नेंट मेलेनोमा कहते हैं। ये पिगमेंट सेल्स जो स्किन में होते हैं उसका कैंसर होता है और इसकी जो डायग्नोसिस है उसको टैटू उस एरिया का अगर हुआ हुआ है, उस एरिया में हुआ हुआ है जहां पर वो ड्रेनेज हो रही है वहां से वो टैटू को कैमोफ्लाइज सॉरी जो स्किन कैंसर का डायग्नोसिस है उसको कैमोफ्लाइज कर देगा। वो पता नहीं चलेगा कि ये मेलिग्नेंट मेलेनोमा है या ये लिम्फ नोड के अंदर जो आपके टैटू है उसका पिगमेंट आया हुआ है। और लास्ट जो है वो स्पिरिचुअल सफरिंग बाय डिसअपॉइंट द क्रिएटर, ये तो जरूर होता है। मतलब शायद इनमें से कोई किसी को ना भी हो ऊपर वाले जो साइड इफेक्ट्स हैं, बट लास्ट वाला तो जरूर होता है। एंड मैंने ये देखा है, मैं इस बात की बिल्कुल 100% गवाह हूँ कि स्पिरिचुअल सफरिंग जरूर होती है। आप कहीं पर भी गुनाह करेंगे इस किस्म के जहां पर अल्लाह और उसके रसूल ने लानत की है, तो स्पिरिचुअल सफरिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीजें बड़ी कॉमन है। आपने जिन लोगों को देखा होगा जो टैटूज जिनके ऊपर ज्यादा होते हैं उनके साथ ये मेंटल सिकनेसेस भी अटैच होती हैं। ये अपने इर्द गिर्द भी अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा। अच्छा जी, अब अल्लाह विशेज टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू बिकॉज अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तो अब हम आ जाते हैं, ये जो हमने पिछली पढ़ी थी ये एस्थेटिक रीजंस थी, अब हम आ जाते हैं मेडिकल रीजंस। मेडिकल रीजंस में इंपॉर्टेंट क्या है कि एज वी स्टडीड अर्लियर कि मेडिकल नीड और इमरजेंसी में शरिया जो है वो आसानी कर देती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि अल्लाह इंटेंड्स फॉर यू ईज एंड ही डज नॉट वॉन्ट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। तो टैटूइंग जो है वो प्राइमरीली अगर ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो वो हराम है, लेकिन अगर वो किसी एबनॉर्मेलिटी को फिक्स करने के लिए यूज हो रही है तो वो परमिसिबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ये देखेंगे पिक्चर, ये खातून है, इनका एसिड बर्न है ये फेस, ठीक है, ये बर्न हुआ हुआ है। अब इस बर्न को ठीक करने के लिए, क्योंकि बर्न है स्किन में ज्यादा डीप लेवल तक गया हुआ है, तो ये हील नहीं होगा, ये इसी तरह रहेगा। अब ये खातून ऑब्वियसली एक एबनॉर्मेलिटी होगी कि हर औरत जो है वो देखने में इस तरह नहीं दिखती, ठीक है ना, हमें पता है कि नॉर्मल औरतें कैसे दिखती हैं। सो इस एबनॉर्मेलिटी को फिक्स करने के लिए ये देखें, ये अब टैटूइंग करके इसका कम्प्लेक्शन मैच किया गया है स्किन का, ये तो ये बाकी तो मेकअप हुआ हुआ है, ये मेकअप है, ये टैटूइंग नहीं है, लेकिन ये सारा जो है ना ये देखें ये टैटू करके उसका कलर मैच किया गया है। सो दिस इज अलाउड बिकॉज वो एक एबनॉर्मल फेज में चली गई थी, उसको नॉर्मल आम इंसान की तरह करना जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द गाइडेंस हाउएवर शुड बी टेकन फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फिजिशियन इन केस ऑफ डाउट रिगार्डिंग इट्स परमिसिबिलिटी, यानी आपको परमिसिबिलिटी जो है उसके लिए किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फिजिशियन जो है वो इसके ऊपर रीजनिंग पे वो आपको कहेगा कि ये मेडिकल है या ये ब्यूटी है। ऑल्सो सच ट्रीटमेंट शुड बी टेकन अंडर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन बाय वेल ट्रेन प्रोफेशनल हु इज क्वालिफाइड फॉर इट टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशन। यानी रैंडम जो है ना वो आपने किसी जगह पे जाके नहीं कहना कि अच्छा ये करना है, ये बकायदा बाहर के मुल्कों में पैरामेडिकल क्लिनिक्स बने होते हैं जहां पर काम ही ये होता है कि वो इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो डिजाइन करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं फॉर पेशेंट्स। ठीक है, ये पिक्चर देखें आप, इसमें विटिलाइगो जिसको फुलवेरी कहते हैं, इफ यू कैन सी दिस, ठीक है, तो ये इनके लिप्स के ऊपर भी है और इस एरिया पे भी है, उसको उन्होंने टैटू करके कलर मैच किया है और ये देखेंगे अब नाउ ही इज लुकिंग नॉर्मल। ठीक है, सो अगेन ये खूबसूरती नहीं थी, ये एक एबनॉर्मेलिटी थी जिसको सही किया गया है ये। ठीक है, इसी तरह ये एक भाई साहब हैं जिनकी फिंगर्स कट गई हैं। अब आप ये देखिए ये फिंगर्स कटी हुई हैं तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है क्योंकि यहाँ ना नेल्स ही नहीं है, तो उन्होंने टैटू करके ये देखिए ये नेल्स बना दी हैं। ऑल्दो के फिंगर्स अभी भी छोटी है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि शायद उंगलियां वैसे छोटी बड़ी हैं, कटने वाली फीलिंग नहीं आ रही एक फर्स्ट लुक में। ठीक है, तो ये भी एबनॉर्मेलिटी हो गई थी, उसको फिक्स किया गया है। सिमिलरली ये बर्थ मार्क है इन खातून के फेस पे, सो बर्थ मार्क को आप देखें कि ये बर्थ मार्क जो है वो लेजर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है लेकिन बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो नहीं होता इस तरह के बर्थ मार्क गायब हो जाए। सो इसमें ये होता है कि फिर इस किस्म का जो है वो टैटूइंग, अगेन ये देखें आप इनका करके तो ये लेवल इक्वल कर दिया गया है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द मेन थिंग कि ये आपके जो मेडिकल रीजन है उसके लिए अलाउ है बट फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटिफिकेशन इट्स नॉट अलाउ। अब इसकी हम क्यों अलाउ कह रहे हैं, हमारे पास इसका क्या बैकग्राउंड है? एविडेंस फ्रॉम सुन्ना जो है वो क्या है, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ग्रांटेड अ कंसेशन टू अजुबैर एंड अब्दुल रहमान अलाउइंग देम टू वेयर सिल्क बिकॉज ऑफ स्किन डिजीज दे हैड।
ये बुखारी और मुस्लिम की अंदर रेफरेंसेस का अवेलेबल है कि उनको कुछ एग्जिमा टाइप या कोई डर्मेटाइटिस टाइप प्रॉब्लम थी, जिसके ऊपर जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिल्क अलाउ कर दिया था। ऑल्दो कि आपको पता है कि सिल्क जो है वो अलाउ नहीं है मुसलमान सॉरी मेन को, फॉर मेन मुस्लिम मेन इट इज फॉरबिडन। सिमिलरली इट वॉज नरेटेड बाय अरफजा इब्ने असद रजी अल्लाह तआला अन्हु, ही सेड दैट माय नोज व्हाट वाज कट ऑफ ऑन डे ऑफ अल कुलाब ड्यूरिंग द जहेलिया फेमस बैटल एंड आई हैड अ नोज मेड ऑफ सिल्वर बट इट बिगेन टू स्मेल बैड सो द मैसेंजर ऑफ अल्लाह पीस बी अपॉन हिम टोल्ड मी टू गेट अ नोज मेड ऑफ गोल्ड। ये दोनों एग्जाम्पल इस चीज की हैं कि सिल्क और गोल्ड दोनों अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी के मर्दों के ऊपर हराम करार दिया है, लेकिन क्योंकि दोनों केसेस फिक्सिंग एंड एबनॉर्मलिटी वाली थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिल्क और गोल्ड के लिए परमिट कर दिया है। बट अगेन इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि इधर यू आर फिक्सिंग द एबनॉर्मलिटी या आप नॉर्मल को एनहांस कर रहे हैं, अप्रेज कर रहे हैं। सो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें आइडिया होता है कि अल्लाह लव्स यू मोर देन यू कैन एवर लव हिम, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे लिए वो मौके पे आसानियां करता है जो हम कभी आसानी का के बारे में सोच भी नहीं सकते, राइट? अब अच्छा, अब हम जो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है वो हलाल और हराम की हम सब्स्टिट्यूट देख लेते हैं क्विकली कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। माइक्रो ब्लेडिंग हमें पता समझ आ गई कि हराम है, उसका हलाल ऑल्टरनेटिव हमारे पास आईब्रो पैलेट्स आ गई हैं बहुत अच्छी, पेंसिल्स हैं, ब्रशेस इस तरह के आ गए हैं, यूट्यूब पे हर तरह का ट्यूटोरियल अवेलेबल है। आपकी आईब्रो बीच में से गायब है, आपकी आईब्रो टेढ़ी मेढ़ी है, आपकी आईब्रो बहुत पतली है, कहीं पर बाल है नहीं है, जो भी रीजन है, इवन मेरी पर्सनली आईब्रोज जो है वो बड़ी खराब है, मतलब वो कहीं से अजीबो गरीब उनकी शेप है। सो मैं खुद पर्सनली आईब्रो पैलेट के साथ उसको कॉफी शेड का जो पाउडर है उसके साथ ब्रश के साथ उसको शेप करती हूँ एंड दे लुक परफेक्टली फाइन। मुझे मतलब बहुत सारे लोग ये आके स्पेशली पूछते हैं जिम वगैरह में कि आपने माइक्रो ब्लेडिंग कराई है, तो आई जस्ट टेल देम कि नहीं, मैंने ये नॉर्मली आईब्रो पैलेट के साथ किया हुआ है, ठीक है। सो लिप ब्रश अगेन एक फनी सी चीज है, आपके पास लॉन्ग स्टे लिप ग्लॉस, लिपस्टिक्स, ऑर्गेनिक लिप टिंट सब तो मार्केट भरी हुई है इन चीजों से, आपको क्या जरूरत है कि आप एक हराम काम करा के लिप ग्लॉस, मतलब सुबह उठ के शोहर के अलावा किसने देखना है आपको, और जब तक तो शादी नहीं होती तब तो वैसे ही नहीं खुद किसी ने देखना, खुद ही उठ के शीशा देखना है, तो मेकअप कर लें, सीधी सी बात है। ब्लश टिंट में ऑर्गेनिक चीक टिंट्स आ गए हैं जो ऑर्गेनिक हैं, मुख्तलिफ फ्रूट से डिराइव्ड हैं, फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स भी हैं, आराम से आप लगाएं पूरा दिन गुजर जाता है, कोई टेंशन भी नहीं है। लैश लाइन पिगमेंट जो है वो बेसिकली ये होता है कि लैश की जो आपकी अपर जो पलके हैं उनकी लाइन जो है उसको मोटा किया जाता है ताकि दूर से देखने में वो आर्टिफिशियल लैशेज की या थिक लैश लाइन की अपियरेंस दें। उसका भी मैं पर्सनली खुद भी ये हल यूज करती हूँ कि मैं वाटर प्रूफ आई पेंसिल जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। आप जो आपकी लैश की बेस है थोड़ा सा आईलेट को ऊपर लिफ्ट करें और लैश की बेस के ऊपर वाटर प्रूफ ब्लैक आई पेंसिल से आप लाइन बना लेंगी तो आपकी लैश लाइन थिक लगने लग जाती है, उससे जरा आंखें खुली लगती हैं, ठीक है। बीबी ग्लो ट्रीटमेंट अगेन एक पैसे बनाने का जरिया है डर्मेटोलॉजिस्ट का आजकल, जिसपे मेरा बड़ा इख्तलाफ है कि जब वाइड रेंज ऑफ फाउंडेशन कंसीलर्स अवेलेबल हैं तो क्यों हराम काम में जाना है, क्यों ऐसी चीज में जाना है जिससे जो आप पैसा कमा रहे हैं वो भी हराम हो रहा है और अगला जो करवा रहा है उसको भी लानत पड़ रही है, ठीक है। अच्छा फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन है, क्योंकि स्कैल्प के बारे में खवातीन बड़ी टची हो रही है आजकल, बालों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, मांग चौड़ी हो जाती है, हेयर थिनिंग हो रही है। उस केस में बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ स्प्रेज अवेलेबल हैं जो बालों के लिए हेल्प करते हैं, आपके हार्मोनल इम्बेलेंसेज हैं उनको ट्रीट करें, और अगर फिर भी कोई मसला हल नहीं निकलता तो टॉपिक या मुख्तलिफ नामों से ब्रांड में हेयर फाइबर पाउडर लाते हैं, ठीक है। मतलब औरत को वैसे ही सर के बाल जाके मर्दों में ना महरम में तो दिखाना वैसे ही अलाउ नहीं है दीन में, लेकिन अगर आपकी फीमेल गैदरिंग या महरम के साथ गैदरिंग है तो उसके लिए आप तैयार श्यार होके और ऊपर से अपने बाल सेट करके, टॉपिक हेयर फाइबर होता है वो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपकी कहीं से मांग चौड़ी है या कहीं से स्पेसिस विजिबल है। और साथ में आप दूसरा काम ये करेंगे कि आप हेयर स्टाइल चेंज करेंगे विद वॉल्यूमाइजिंग प्रोडक्ट्स, आपने बालों के ऊपर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज करनी, आपने बालों के ऊपर वॉल्यूमाइजिंग प्रोडक्ट्स यूज करनी है, जो चार बाल सर में हैं या थोड़े से बाल हैं उनको वो वॉल्यूम देगा। जब आप स्ट्रेट करते हैं बालों को तो स्ट्रेट बाल जो है ना वो बैठता है, नीचे को गिरता है और वो स्पेस कम ऑक्यूपाई करता है, तो उससे बाल आपकी स्कैल्प नजर आती है ज्यादा। दिस इज द लास्ट स्लाइड, अल्लाह ग्रांट स्टेबिलिटी टू दोज हु बिलीव, ऑलवेज रिमेंबर व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जो करना चाहता है अल्लाह उसको रास्ते भी दिखा देता है, उसको सही डॉक्टर से भी मिलवा देगा और उसको उसके मसले का हल भी मिल जाएगा।
जब अल्लाह ताला फिरौन की मौजूदगी में जिस मूसा के लिए, हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए समंदर में रास्ता बना सकता है, तो ठीक है हमारा ईमान कोई हजरत मूसा अलैहि सलाम जितना नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा तवक्कल करें तो अल्लाह ताला बड़े रास्ते निकालता है, ब्यूटी के लिए भी, हेल्थ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए भी, हर चीज के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके दिल में नीयत होनी चाहिए उस काम से जान छुड़ाने की या उससे पीछे हटने की। अगर दिल में नीयत ही में खोट होगा तो फिर अल्लाह ताला आपको अपने जैसे लोगों से ही मिलवाएगा जो आपको ये कहेंगे कि माइक्रो ब्लेडिंग जो है वो टैटूइंग नहीं है, या बीबी ग्लो ट्रीटमेंट जो है वो बड़ा जबरदस्त है, ये करा लें आप, उससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जल्दी से, हमारा क्योंकि 10 मिनट्स हैं अभी हमारे पास, तो सॉरी चैट मैंने चेक नहीं की थी। अब आप लोग ऐसे करें, मुझे क्वेश्चन, लेट मी स्क्रोल, कोई किसी ने क्वेश्चन तो नहीं था, आप वन बाय वन जो है ना वो हैंड रेस कर दें तो मैं चेक कर लेती हूँ, और फिर हम क्वेश्चन अगर किसी का है तो, अगर चैट पे लिख के पूछना चाहते हैं तो चैट पे पूछ लें, कोई सवाल कोई चीज नहीं समझ आई हो, ऑल्दो इट्स अ बिग टॉपिक, मैंने बड़ा क्विकली उसको घंटे में कवर किया है, लेकिन ये कि आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी चीजें। हम मेरी कोशिश ये है कि हम हर वीक, या इंशाल्लाह बीच में एग्जाम्स आएंगे थोड़े से तब हम गैप लेंगे, लेकिन हर वीक हम किसी एक प्रोसीजर, या अगर टाइम हो तो दो प्रोसीजर्स इस तरह के, जैसे अब ये हदीस के अंदर हमने चार चीजें पढ़ी हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम इसी हदीस को लेके चलेंगे नेक्स्ट वीक भी। वी विल बी टॉकिंग अबाउट जो आईब्रोज वाला है काम, और हेयर एक्सटेंशन की बात करेंगे, जो डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा नहीं घुस सकती क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक जनरल मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा क्वेश्चन भी इकरा ने पूछा है, कैन वी गो टू डॉक्टर टू गेट आर टीथ क्लीन? जी बिल्कुल इकरा, टीथ क्लीन आप करवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, बिकॉज वो तो सफाई करा रहे हैं ना, लेकिन ये कि आजकल इम्पोर्टेंट ये है कि स्माइल मेकओवर के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो बड़े महंगे, मतलब डेंटिस्ट्री ऑलरेडी बहुत महंगी थी, अब वो स्माइल मेकओवर के नाम से मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसके अंदर वो आपको जो विनियर्स होते हैं, या आपको ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस टाइप चीजें होती हैं वो लगा देते हैं क्योंकि दांतों में थोड़ा सा गैप है। तो हमेशा याद रखें कि जैसे मैं डर्मा की फील्ड है मेरी, तो मैं जो आपको मेडिकल रीजन होगी ना उसके हिसाब से मशवरा दूंगी। तो डेंटिस्ट्री में भी जरूरी ये है कि हमारे पास ऐसे डेंटिस्ट मौजूद हों जिनको इस्लामिक रूलिंग्स पता हो, यानी अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस जो है वो अगर आपको कोई दांतों में, खाने में मसला हो रहा है, बोलने में मसला हो रहा है, या बहुत इस तरह के दांत हो रहे हैं कि अगर अगले 5 साल तक आप इनको सही नहीं कराएंगे तो ये गिर जाएंगे, ठीक है, मेडिकल रीजन है, तो उसमें ब्रेसेस आर ओके, ब्रेसेस आर अलाउड, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी कि शरिया में फिक्सिंग एन एबनॉर्मलिटी या कोई जो चीज ऐसी है जो डिजीज की तरफ लीड कर रही है उसको आप बिफोर टाइम सही करा लें तो दैट्स अलाउड, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटिफिकेशन अगर आप कोई काम कर रहे हैं कि मेरी स्माइल जो है वो परफेक्ट हो जाए और जब मैं तस्वीरें खिंचाऊं तो मेरी जबरदस्ती स्माइल हो, दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि हदीस में जो हमने पढ़ा वो ये है कि जो उसकी अगर आप अरबिक ट्रांसलेशन देखें तो उसमें ये कहा जाता है, हुजूर साहब ने फरमाया कि उस जमाने में जो औरतें थी, जमाने जाहिलियत जो था उसमें जो दांतों में खला था, यानी सुराख जो है, दांतों की गैपिंग ज्यादा होना जो है वो खूबसूरती की अलामत थी, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जब थोड़ा बच्चियां यंग होती हैं तो दांतों में थोड़ा सा गैप होता है, तो यंग दिखने के लिए उस जमाने में खवातीन दांतों में गैप बढ़वा देती थी, ठीक है, लेकिन अब आजकल के दौर में तो कोई गैप नहीं बढ़वाएगा, तो अगर आप इस हदीस को बगैर इसमें से रूलिंग डिराइव किए हुए एज इट इज करंट दौर में अप्लाई करेंगे तो ये एरिया तो नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि आजकल के दौर में दांतों के बीच में सुराख कोई नहीं बढ़वाता, दांतों के बीच में सुराख कम कराया जाता है। सो जब आप उसमें से फिक की रूलिंग फ्रॉम असल टू फरो निकालेंगे, फ्रॉम द रियल टू द कंटेम्प्रेरी, तो वो ये निकलेगी कि आप दांतों को फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटिफिकेशन रीअरेंज अगर करा रहे, यानी आप उनको बराबर करवा रहे हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन अब वो खूबसूरती के लिए है या वो मेडिकल के लिए, ये तो आपको आपका डेंटिस्ट बताएगा ना, कि आपका वो एक्सरे कराएगा दांतों का, वो देखेगा कि आपके दांतों में तो पीछे से कोई दांत अंदर तो नहीं है, गम्स के अंदर जो निकल नहीं पा रहा, उसके लिए वो हो सकता है वो कहे कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, अगेन इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम डेंटिस्ट ऐसा मिल जाए जो अल्लाह ताला से डरता हो और अपने रिस्क के मामले में उसको हलाल हराम की फिक्र हो, तो वो फिर आपको सही गाइड करेगा। बट नॉर्मली टीथ, मतलब स्केलिंग कराने आप जाएंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्केलिंग से कोई खूबसूरती तो आ नहीं रही होती, बेसिकली तो आप दांतों की हेल्थ के लिए काम बात कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा एनी मोर क्वेश्चन, किसी और को कोई चीज पूछनी हो, माइक्रो ब्लेडिंग या इस किस्म की कोई चीज? अच्छा इवन आप लोगों में से किसी को अगर अभी कोई चीज नहीं भी याद आ रही तो
तो बाद में भी आप अपनी फ्रेंड्स वगैरह में, बहनों में, किसी में डिस्कस करें, और किसी का कोई सवाल हो तो आप जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसमें पोस्ट कर सकती हैं, उसमें पोस्ट कर दीजिएगा, मुझे जब भी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। ये नूर ने लिखा है, डेंटिस्ट के पास जाओ तो मुझे समझ नहीं, खुले दिल से डांटते हैं, डांटते हैं, बड़े खुले दिल से डांटते हैं। ओके यस, वो तो देखिए आप किसी के, वो आप डेंटिस्ट के पास क्या जाएंगी, वो आप सैलून में भी जाती हैं तो हर सैलून में जाके अगर आप उनके सैलून से हेयर कट नहीं कराती तो वो कहेंगी कि ये पिछले सैलून वाले ने तो बाली टेढ़े काटे हैं आपके। तो दिस इज लाइक, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल जेलेसी। तो पहले तो वो अगर आप कहीं नहीं जाते तो आपको डांटेंगे कि क्यों नहीं जाते, और अगर आप बताएंगे कि नहीं मैं वहां नहीं जाता, मैं आपके पास नहीं आता था लेकिन मैं कहीं और जाता था, तो डांट पड़ेगी वहां क्यों जाते थे, क्योंकि वो तो काम ही सही नहीं करते। तो दिस इज नॉर्म इन एवरी प्रोफेशन। सो बहरहाल ये कि आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। जो शरिया वाला जो था वो, उसकी मैं जो रूलिंग है वो अलग पेज में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। तो उससे आपका ये फायदा होगा कि आपको कभी भी कोई प्रोसीजर जिसके ऊपर डाउट हो तो जरा आप उसकी स्कैनिंग जो है वो उस रूल्स के थ्रू कर लीजिएगा। अगर उसमें से कोई भी रूल, एक रूल भी हिट हो रहा हो, उस शरिया रूल्स के अगेंस्ट जा रहा हो जो आप प्रोसीजर कराना चाह रही हैं, तो उस पर रुक जाइएगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं लास्ट बात करना चाहूंगी कि जो कॉस्मेटिक की फील्ड है इसमें ग्रे एरियाज बहुत हैं, यानी आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज पे बड़ा स्ट्रेट अवे हराम और हलाल का फतवा मिल जाए, या आपको पुरानी कहीं से उसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कोई सुन्नत में या हदीस में कोई चीज वाकई में मिल जाए। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसके बारे में आपको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिलता, ग्रे मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम है कि जब दीन में ग्रे एरिया हो तो उससे दूर रहना, जिसने वो ग्रे एरिया से वो जो दूर रहा उसने अपना ईमान बचा लिया। उसकी रीजन ये होती है बेसिकली कि वो जो ग्रे एरिया है ना, जिसके ऊपर आपको एग्जैक्ट शार्प येस या नो, हराम और हलाल नहीं मिल रहा, ये इस तरह है। इसकी एग्जाम्पल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दी है कि एक खुली पास्चर है, एक चरागाह है जहाँ पर आप घोड़े की तरह जो है वो चर रहे हैं, घूम रहे हैं, एंड यू वुड नॉट नो कि इसमें प्रेमिसेस कहाँ है, कहाँ की पर हद है, क्योंकि वो हद नजर नहीं आ रही। तो वो हद अगर खत्म हो गई और आप उससे गुजर गए, आगे चले गए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गुनाह के उसमें एंटर हो रहे हैं। ठीक है, और प्लस ये कि स्पेशली ऑब्वियसली अल्लाह ताला कयामत के दिन बहुत सारे सवाल, जब हमारे अलमिया में जन्नत नसीब करे, लेकिन सवालों के अंदर अगर उस चीज, वो हराम चीज थी और हमने वो नहीं की तो हमारी बचत हो जाएगी। ग्रे एरिया की बात हो रही है, बट अगर वो हराम थी और हमने डाउट में आके कि चलो ग्रे एरिया है कर ली, तो फिर हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है ना वो हमसे सवाल करे इस बारे में कि ये तुम्हें डाउट था इस पे तो तुमने इसको छोड़ देते। क्योंकि देखिए कॉस्मेटिक की चीज ना लग्जरी है, इट्स नॉट नेसेसिटी। आप नहीं करेंगे आप मर नहीं जाएंगे, तो बेहतर ये है कि ग्रे एरियाज में स्टे अवे फ्रॉम इट। और आइडियली जो है ना, हिना कह रही है मुझे लगता है कि मेकअप फजूल खर्ची लगता है और अल्लाह की तखलीक का नकुश होना जाहिर होता है। अच्छा, होता ये है कि मेकअप जो है, अब बहुत सारे मेरे माइंड में भी शुरू में ये क्वेश्चन आता था कि मेकअप तो हम कर रहे हैं तो मेकअप हलाल है, मतलब मेकअप जायज है, बट जो परमानेंट मेकअप है जो टैटूइंग से हो रहा है वो जायज नहीं है। तो उसकी रीजन ये है कि जो आप मेकअप हम करते हैं वो हम मुंह जब धोएंगे या वो 12 घंटे के बाद भी हम जब सो के उठेंगे तो मेकअप उतर जाता है। कोई ऐसा मेकअप नहीं है जो 2 दिन 3 दिन तक लगा रहे, ठीक है। इवन जो परमानेंट आपकी वो जो होती है ना लिपस्टिक्स मुख्तलिफ होती हैं, वो भी उतर ही जाती हैं अल्टीमेटली। सो जो चीज अपेरेंटली नजर आ रही है कि वो आर्टिफिशियल है और वो रिमूवेबल है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आप ब्लेंड इन हो रही है और वो उसमें धोखे का एलिमेंट आ रहा है और वो पक्की है, वो उतर नहीं रही, वो मना है। हेयर कलरिंग इज हलाल, यस इट इज हलाल। इसमें सिर्फ ब्लैक का कलर जो है ना वो मना है। अच्छा, इसका हमें प्रूफ मिलता है, कुछ चीजें हैं जिनका हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से, सॉरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से प्रूफ मिल जाता है, और कुछ चीजें हैं जिनका हमें प्रूफ नहीं मिलता। तो जिनका प्रूफ नहीं मिलता उनसे भी स्टे अवे करना ज्यादा बेहतर है। कलर जो है ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खवातीन और मर्द दोनों करते थे। इसमें सिर्फ रूलिंग ये है कि ब्लैक, जेट ब्लैक कलर जो है वो मना किया गया है, बाकी ब्राउन, कॉफी ब्राउन, जो मर्जी आप कलर करें, जैसे मर्जी करें। उसमें भी कुछ मसला ये आता है कि कुछ लोगों को कलर से, आजकल जो मार्केट में कलर है उससे एलर्जी होती है, डाई एलर्जी, तो उस केस में फिर आप मुख्तलिफ कलर की मेहंदी मिलती है उस पे शिफ्ट हो सकते हैं, अगर आपको अमोनिया से कलर एलर्जी है तो। अम्मी को कह दें कि बिल्कुल वो जायज है, हलाल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, अब
5 बज गए हैं मेरे पास, मेरे ख्याल है क्लास का टाइम खत्म हो गया। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में भेज दीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास है उसका टॉपिक फिर कोशिश मेरी यही होगी कि हम पहले ही अनाउंस कर दें। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ आई होगी और कुछ फायदा हुआ होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास मेरे लिए और आप सबके लिए सबका जरिया बने। इसलिए जो आपने सीखा है, आई वुड रियली रियली इनकरेज यू कि आप आगे लोगों में, अपनी सिस्टर्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अलामिया हम सबको नेक अमाल की, हलाल रिज्क कमाने की तौफीक दे, और हमें बुराइयों से दूर रखे, और ये जो दजाली फितने हैं, ये जो ब्यूटी की फील्ड में, जो पैसे की फील्ड में, और हर चीज़ के अंदर जो है ना, बहुत ज्यादा धोखा आ गया है और बहुत ज्यादा पैसे की रेस है, उससे हमें अल्लाह ताला बचाए। आमीन सुबह आमीन। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डॉक्टर सादिया, अल्लाह मुबारक, बहुत ही